बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है चाचा, चलता हूँ, बस के लिए देरी हो जाएगी। चाची चलता हूँ। एक दूसरे का ख्याल रखना, कहीं अगर जाना हो तो एक साथ जाना, और शाम को नाम घर जाते वक्त टॉर्च लेना मत भूलना। और हाँ, मैंने और उनके फार्मेसी में बोल दिया है, वो सप्ताह में खुद एक बार आकर प्रेशर चेक करके जाएगा। हाँ बेटा, हम लोग संभाल लेंगे, बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। चलो अब बस के लिए देर हो जाएगी, वक्त हो गया है। अरे ठीक है बेटा, ठीक है, जीते रहो। चलो संभाल के जाना। जाओगे? हाँ जाऊंगा। कितना हुआ? 200 रुपये। क्या इतना सा रास्ता आने का 200 रुपये? क्या करे, पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ता है। तो क्या 200 रुपये लोगे? 100 रुपये लो। नए नए गुवाहाटी आए हो ना, धीरे धीरे से पता चल जाएगा। नए नए आए हैं तो क्या हुआ, हम क्या कोई परदेसी है? अरे छोटे, रहने दो भैया, ये लो 200 रुपये। चलो
सर नमस्ते। नमस्ते। हम आए थे। हाँ बताइए। सर आपके ड्राइवर मंतु ने तो शायद आपको हम दोनों के बारे में बताया ही होगा। मैं निरंजन हूँ और ये मेरा छोटा भाई सत्या। नमस्ते। अच्छा अच्छा। हाँ इसका मतलब तुम दोनों मेरे घर में रहोगे। जी सर। तुम लोगों के बारे में मंटू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा चलो मैं तुम लोगों को तुम लोगों का रहने वाला घर दिखा देता हूँ। चलिए सर। आओ। यही है वो घर जहाँ तुम दोनों रहोगे। अच्छे से देख लो, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना। जी ठीक है सर, लेकिन किराया? छोड़ो इन सब बातों को, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। और मंतू ने तो तुम लोगों को किराया के बारे में बताया ही होगा। ये पकड़ो जाओ। सर चलो। क्या हुआ? सर बहुत दुख रहा है दादा। कुछ दिक्कत हो रहा है क्या तुम्हें? ये धूल मिट्टी, ये धूप, ये प्रदूषण, मुझसे यहां नहीं रहा जाता दादा। क्या बोल रहे हो, सिर्फ तुम ही हो क्या यहाँ पे? हर कोई तो ऐसे ही चल रहा है ना? ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हमारी आदत ऐसे चलने की नहीं है। ना कहीं पे पेड़ है छाव के लिए, ऊपर से ये धूल मिट्टी, सुबह से खोज रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा है। रुको रुको छोटे, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। घर चलो, मुंह हाथ धो के थोड़ा आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दादा, घर से लाए हुए पैसे भी खत्म हो गए।
इस शहर में तो दाल चावल से लेकर पीने का पानी तक खरीद के पीना पड़ता है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा छोटे, थोड़ा धीरज रख, कुछ काम ठीक हो जाने दे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भैया, इस शहर में सिर्फ हम दोनों नहीं है, हमारे जैसे हजारों लोग काम के पीछे दौड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारा गांव है। चलो दादा, हम लोग गांव वापस चले जाते हैं। ऐसे मायूस होने से कैसे होगा छोटे, अपने आप पर विश्वास रखो, मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया दो चाय देना। सत्या, आज तुम्हारा काम में पहला दिन है ना? हाँ, क्यों? तो इतने गंदे कपड़े पहन के क्यों निकले हो? दादा, तुम कपड़ों की बात कर रहे हो, यहाँ तो पानी भी हिसाब करके पीना पड़ता है। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? क्यों, उस दिन सर ने तुम्हें क्या कहा था तुम्हें याद नहीं? कहा था कि तुम लोगों को दिन में 5 लीटर पानी पीने के लिए और 20 लीटर पानी कपड़े धोने के लिए मिलेंगे। उससे तुम लोग नहाओ, कपड़े धो, खाना बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन इससे ज्यादा पानी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। 25 लीटर। अरे हमारे गांव में तो गाय भैंस भी इससे ज्यादा पानी से नहाते हैं। अरे छोटे, छोड़ो इन छोटे मोटे बातों को। एक दिन शहर में जब हमारा भी एक अपना मकान होगा तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, चिंता मत करो। दो भैया, लो चाय लो। अब चलो जल्दी से चाय पियो, आज पहला दिन है ना, पहले ही दिन लेट जाना बहुत बुरी बात है और मुझे भी देर हो रही है, जल्दी करो। अब तुम्हें भी तो काम मिल गया ना, अब खुश? मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर में काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन मुझे यह कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर कोई खुद को लेकर व्यस्त रहते हैं और ऐसा ढोंग करते हैं कि एक दूसरे को जानते तक नहीं है। लेकिन हमारे गांव में, वहां सारा गांव एक परिवार की तरह रहता है, अगर किसी घर में कोई मुसीबत आ जाए तो सारा गांव आकर उनकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। अरे सत्या, छोड़ो इन छोटे मोटे बातों को, अब तो तुम्हें भी काम मिल गया है, कुछ दिन शहर में रहोगे तो तुम्हें भी शहर का आभा समझ में आ जाएगा। ये सोचो यार, एक दिन शहर में हमारा भी एक जमीन होगा, एक बड़ा सा बंगला होगा, गाड़ी होगा, कितना अच्छा लगेगा, हम भी शहर के रंगीन जीवन में घुल मिल जाएंगे। सोचो ना कितना अच्छा लगेगा। हेलो हेलो चाचा, मैं सत्ता बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोल, कैसे हो तुम लोग? हाँ हाँ हम लोग ठीक है, दोनों को एक छोटा सा काम भी मिल गया है। चाची कैसी है? हा? तुम्हारा चाची ठीक है बेटा? अरे सुनते हो, सत्या का फोन है, ये लो बात करो। बेटा सत्या, कैसे हो दोनों? बहुत याद आती है बेटा तुम लोगों की। अरुण आता है ना प्रेशर चेक करने के लिए? हाँ हाँ आता है। कहा है ना कि सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे चाचा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है आजकल। क्या हुआ है उनको? जरा फोन देना चाचा को। हाँ हाँ। नहीं बेटा, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है, दवाई खा रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा बेटा, तुम लोग सोचो मत। ठीक है चाचा, इस बार छुट्टी मिलते ही हम लोग गांव चलेंगे और तुम लोगों को शहर लाकर एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। अब रखता हूँ चाचा। ठीक है बेटा, एकदम ठीक है, खुश रहो तुम लोग, खुश रहो। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कल एक बार गांव से घूमाओ। क्यों? अरे नया नया कंपनी में ज्वाइन किया है, अभी छुट्टी मिलेगा क्या? चाचा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अरे अरुण नहीं आया होगा शायद, मैं कल उसको फोन कर लूंगा, अब तो ऐसे भी बहुत देर हो गई,
तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं। तो चलो एक साथ खाना खा लेते हैं। चलो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ आओ निरंजन, इधर आओ, आओ आओ निरंजन, बैठो। अब कहो सब ठीक है? अब ठीक है सर। अब तो सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन शहर में टिकना इतना आसान नहीं है। अगर सावधानी से चलोगे तो चल गए। जी सर, अब छोटे के काम मिलने के बाद से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन उसे बहुत दिनों से देखा नहीं। जी सर, वो सुबह बहुत जल्दी निकल जाता है और काम से लौटते लौटते बहुत देर हो जाती है, और कंपनी के सुबह भी तो बहुत जल्दी हो जाती है ना सर। सर हा? मैं आपका किराया देने आया था। लाओ। 2 महीने का एक साथ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं है, दे दो। सर गिन लीजिएगा। अरे गिनने की क्या जरूरत है, तुमने गिन के दिए हैं तो ठीक ही होगा। तो सर मैं अब चलता हूँ। अरे बैठो ना, एक कप चाय पी के जाओ। नहीं नहीं सर, मैं खाना खा कर निकला हूँ। अच्छा। सर एक बात पूछू? हाँ पूछो। भैया और भाभी नहीं आते हैं क्या? आए थे 2 साल पहले, लंदन में रहते हैं, और लंदन से गुवाहाटी जब मर्जी आना होता नहीं है, जब जी करेगा चले आएंगे। सर आप भी तो कभी उनके पास जा सकते हैं। जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मेरे पिताजी भी जब तुम्हारे उम्र के थे, वो भी गांव छोड़कर शहर चले आए थे, और ये बात उन्हें जीवन के अंतिम समय पर बहुत तकलीफ दी थी, और जब लौटना चाहते थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो बीमार पड़ चुके थे, बुढ़ापे ने उनके शरीर को तोड़ के रख दिया था। लेकिन उस समय हम सब एक साथ थे। सर मैंने आपका दिल तो नहीं दुखाया ना? नहीं नहीं, किस बात का दुख? मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं जाता। जाऊंगा तो उन्हें अच्छा ही लगेगा, लेकिन निरंजन मैं जाऊंगा नहीं। उन लोगों का जब मर्जी वो चले आएंगे, और मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो तुम लोग तो मेरे साथ हो ही। जी सर जरूर। तो सर मैं चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। अच्छा एक बात सुनो, सत्य को मेरे यहाँ आने के लिए बोलना। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ जाओ।
क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी में मैं ये फैसला नहीं ले पाऊंगा। कुछ करने से पहले मुझे साचा चाचे से भी पूछना पड़ेगा और छोटे को भी तो बताना पड़ेगा। इतने दिन हो गए और तुमने ये बात अपने भाई को नहीं बताया? नहीं, नहीं बताया। पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या रिएक्शन होगा मतलब? नहीं, ऐसे ही। उसको हर बात बताता हूँ ना। तो मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? मैं बात करूँ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो, मेरे घर वाले मुझे अब और गुवाहाटी में अकेले रहने नहीं देंगे। वो लोग बोल रहे हैं या तो शादी करके घर बसा लो या घर वापस आ जाओ। लेकिन इतनी जल्दी? बी प्रैक्टिकल निरंजन, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और मैं बहुत सपने लेकर डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आई हूँ। अरे सपने तो हर किसी का होता है, मेरा भी सपना है। मैं भी चाहता हूँ कि गुवाहाटी में मेरा खुद का एक घर हो। देखो गायत्री, मुझे और थोड़ा वक्त दो। पता नहीं तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे समय से आगे दौड़ना पसंद है। जिंदगी का हर एक पल सुनहरे सपनों से सजाना चाहती हूँ मैं। तुम्हारी ये कविता जैसी बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अब चलते हैं। सर। कौन है? सर मैं सत्या। अरे सत्या, आ जाओ, दरवाजा बंद करके आना। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, इतनी नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा बुखार है और सर भी दुख रहा है। अरुण को बुला दो सर। अरुण? कौन अरुण? सॉरी सर, गांव में चाचा जी जब बीमार होते हैं तो हमारे गांव के फार्मासिस्ट अरुण को बुला लेते हैं, वो फौरन आ जाता है। अचानक उसकी याद आ गई। फौरन हाजिर हो जाता है? हाँ, अरुण फौरन हाजिर हो जाता है। यहाँ काफी डॉक्टर होने के बावजूद भी किसी को बुलाने पर फौरन हाजिर नहीं होता। सर मैं थोड़ा सा आपका सर दबा दूं? अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है सर। बेटा तो चला गया खुद को प्रतिष्ठा करने की प्रतियोगिता में। गया तो गया, एकदम चला गया। चलो थाने चलो। लेकिन क्यों? वो सब तुम्हें थाने में पता चल जाएगा। Thank you.